बॉलीवुड में ऐसी कई सारी पुरानी दिलकश हसीनाओं ने अपनी खूबसूरती अदायगी का जलवा बिखेर कर लाखों करोड़ों दर्शकों को अपना दीवाना बनाया है, जिनके जबरदस्त एक्टिंग और रंग रूप को आज भी दर्शक बेहद पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में अपनी दमदार अदायगी से मशहूर हुई पुरानी अभिनेत्रियां आज काफी ज्यादा बदल गई हैं, जिन्हें आप पहले नजर में देखकर ही पहचान नहीं पाएंगे। तो आइए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको एक एक करके उन्ही मशहूर अभिनेत्रियों के आज के हालातों से रूबरू कराकर उनकी आज की हकीकत और बदले हुए रंग रूप के बारे में बताएंगे। नंबर वन, पूजा भट्ट। 1997 में आई फिल्म बॉर्डर में अभिनेत्री पूजा भट्ट रंग बिरंगे सूट सलवार पहने, चोटी बांधे, लाइट मेकअप के साथ काफी देसी और खूबसूरत दिखाई दी थी। लेकिन बीते इन सालों में ये 49 साल की उम्र कंप्लीट कर चुकी है, जहां अब ये नॉर्मल वेस्टर्न ड्रेसेस में खुले हेयर स्टाइल में चेहरे पर झुर्रियों के साथ काफी गोल मटोल दिखाई देती है और अब ये पहले के मुकाबले खूबसूरत नहीं दिखाई देती। वहीं बता दें, आखिरी बार साल 2020 में आई फिल्म सड़क में दिखाई दी थी, जिसके बाद ये बतौर डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है। नंबर टू, मीनाक्षी शेषाद्रे। दामिनी फिल्म में एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्रे कलरफुल साड़ी में, कभी खुले बालों में तो कभी चोटी बांधे माथे पर बिंदी लगाए काफी खूबसूरत दिखाई दी थी। वहीं बीते सालों में इन्होंने 58 साल की उम्र पार कर ली है, जहां अब ये सूट नॉर्मल ड्रेसेस में खुले बालों में नजर आती है। बता दें, इनके चेहरे पर काफी झुर्रियां आ गई है और इनका चेहरा सिकुड़ चुका है और ये पहले के मुकाबले आधी हो चुकी है। बता दें, इन्होंने एक्टिंग से पूरी तरह दूरियां बना ली हैं। वहीं अब ये अपने पति हरीश मेहूर और बच्चों के साथ सुकून भरी जिंदगी जी रही हैं। नंबर थ्री, करीना कपूर। बॉलीवुड में बेबो यानी कि एक्ट्रेस करीना कपूर ज्यादातर फिल्मों में स्टाइलिश ड्रेसेस में साथ अलग अलग तरह के स्टाइल में लाइट मेकअप में अपनी दमदार पर्सनैलिटी में लाजवाब दिखाई देती थी। लेकिन आज 41 साल की उम्र कम्प्लीट कर चुकी है, जहाँ अब यह स्टाइलिश ड्रेसेस लेकर नॉर्मल ड्रेसेस में खुले स्टाइल में लाइट मेकअप के साथ ज्वेलरी में पहले के मुताबिक और भी ज्यादा स्टाइलिश लगती है। हालांकि ये पहले के मुताबिक थोड़ी मोटी हो गई है। बता दें, इन्होंने आज भी अपनी एक्टिंग को बरकरार रखा है, साथ ही अब ये अपने पति सैफ अली खान और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही है। नंबर फोर, उर्मिला माथोडकर। सबकी बाराते आए डोली तू भी लाना गाने में अभिनेत्री उर्मिला माथोडकर लहंगा चुन्नी पहने हैवी ब्राइडल मेकअप में किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी, तो वहीं आज इन्होंने 47 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है, जहां अब ये कलरफुल साड़ी पहने ज्वेलरी में लाइट मेकअप के साथ अलग अलग हेयर स्टाइल में काफी प्यारी दिखती हैं, जिसमें ये पूरी तरह मिडिल एज वुमेन की तरह लगती हैं। बता दें, इन्होंने एक्टिंग से दूरियां बनाकर अपना रुख राजनीति की ओर मोड़ लिया है और अब अपने पति मोहसिन अख्तर मीर के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जी रही है। नंबर फाइव, मनीषा कोइराला। मन फिल्म में बेहतरीन अदाकारा मनीषा कोइराला सीधी सादे संस्कारी लड़की बनी हुई सूट सलवार से लेकर वेस्टर्न ड्रेसेस में खुले हेयर स्टाइल में मेकअप किए हुए राजकुमारी की तरह दिखाई दे रही थी। लेकिन बीते इन सालों में इन्होंने 51 साल की उम्र पार कर ली है, जहां अब ये सूट सलवार पहने विदाउट मेकअप में खुले हेयर स्टाइल में थोड़ी उम्र दराज दिखाई देती है, जैसा कि आप इनकी पहले की और अब की तस्वीरों को कंपेयर करके देख सकते हैं। बता दें, इन्होंने अपनी एक्टिंग आज भी बरकरार रखी है, वहीं अब ये अकेले मुंबई में खुशहाल जिंदगी जी रही है। नंबर सिक्स, सोनाली बेंद्रे। सुपरहिट फिल्म हम साथ साथ हैं में अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे हर तरह के सूट से लेकर साड़ी, खुले बालों में लाइट मेकअप के साथ ज्वेलरी में बिल्कुल सीधी साधी संस्कारी लड़की के किरदार में नजर आई थी, तो वहीं आज ये 47 साल की उम्र कंप्लीट कर चुकी है, जहां अब ये वेस्टर्न स्टाइलिश ड्रेसेस और ज्वेलरी के साथ खुले बालों में बहुत प्यारी दिखाई देती है। पर बावजूद इसके इनके चेहरे पर झुर्रियां साफ साफ दिखाई देती है। बता दें, इन्होंने एक्टिंग से पूरी तरह दूरियां बना ली हैं। वहीं अभी अपने पति गोल्डी बहल के साथ और अपने बेटे रणबीर के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। तो दोस्तों, आपको इन अभिनेत्रियों में से किसका बदला हुआ रंग रूप सबसे अच्छा लगा? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।